फ्रेंड्स, किंग चुआल, वेलकम टू माय चैनल एवी ब्यूटी और ज्योति। मुझे पता है गाइस कि न्यू ईयर अभी आने ही वाला है और सब लोग उतावले होंगे कि कैसा मेकअप करूं, क्या लुक करूं गाइस। सो यही सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूं कि कैसे आपको प्रॉपर मेकअप करना है एकदम इजी वे में गाइस। सो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस और प्लीज कंजूसी मत करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करने के लिए मेरे बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टू ऑल सब्सक्राइब कीजिएगा कि आप मेरे सबसे पहले वीडियो देख सो। फ्रेंड्स, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। Amazon फैशन एंड ब्यूटी कैटेगरी पे आपको 50-80% डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि Amazon वार्डरोब रिफ्रेश सेल इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18 December गाइस। सो गो एंड शॉप, दिल खोल के शॉप करिए क्योंकि आपको 50-80% डिस्काउंट मिलने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइस। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये मेरा मेकअप कलेक्शन है गाइस और मैंने अभी ही जस्ट रिसेंटली ऑर्डर किया है ये सारी चीज़ें अमेजोन से क्योंकि मुझे हाईली डिस्काउंट में मिली है। तो आपको भी जरूर देखना है ये आई शेडो पैलेट, लिपस्टिक, लिप लाइनर, सारी चीज़ें। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइस। पहले हमें मॉइस्चराइजर लगाना है, तो ये मेरा मॉइस्चराइजर प्लस मेरी मॉर्निंग क्रीम है इलेक्ट्रिकल माइंड, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको मैं दे दूंगी, जरूर जरूर मस्ट बाय है गाइस। ये ऑयली स्किन के लिए और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्रीम्स अवेलेबल है इलेक्ट्रोकैलामाइन में, तो आप बिल्कुल ट्राई करिएगा क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा सूट हुआ है, तो आपको भी बहुत अच्छे से सूट हो सकता है, तभी मैं रिकमेंड कर रही हूँ गाइस। एंड देन मैं अच्छे से अप्लाई कर दूंगी, हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप देंगे एकदम ईजी वे में गाइस। सो सबसे पहले मैंने अप्लाई कर दिया है, तो ये सारी चीज है इसमें कंसील, करेक्ट एंड कॉन्टोर की सारी चीजें, तो आप बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कर सकते हो गाइस। सो यहाँ पर मेरा ये शेड ये वाला है, सबसे येलो शेड है वो वाला मुझे ज्यादा सूट करता है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दूंगी। सी, पूरा ढक जाता है राइट, पूरा हाई अप हो जाता है। देखो अभी मुझे था दाग एंड जस्ट आई हैव पुट ऑन, सो ये पूरा इनविजिबल हो जाता है गाइस। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने डार्क सर्कल के यहाँ पर भी लगा दूंगी और मोस्ट ऑफ तो मैं अपने हैंड्स ही इस्तेमाल करना प्रेफर करती हूँ गाइस। सो यहाँ पर मैं मेरे हैंड्स अच्छे से इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मुझे ब्रशेस ज्यादा नहीं पसंद है पर्सनली। तो यहाँ पर देखो मैं आईज के ऊपर भी लगाऊंगी कि हम लोग का मतलब जो भी आई मेकअप लुक है वो ज्यादा डिफाइन हो, ज्यादा दिखने में आए। तो यहाँ पर मैं जहाँ पर मुझे डार्क स्पॉट है वो वहां पर मैं लगा दूंगी एंड ईयर गाइस अच्छे से अप्लाई करना है। तो ये ऐसे स्पंज लेके, ये बहुत अच्छा स्पंज है गाइस, आप बिल्कुल बिल्कुल देखिए। तो ये भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी गाइस, ये सारी चीजों का जो भी मैं यूज कर रही हूँ आप मस्ट बाय कीजिए और बहुत अफोर्डेबल रेंज में है गाइस। सो आपको देखना तो बनता ही है राइट गाइस। सो यहाँ पर अच्छे से मैंने कर दिया है, मैं कलर बोर्ड का मेकअप पैलेट यूज करने वाली हूँ, वेरी मच अफोर्डेबल आई शेडो। एंड देन सी गाइस, इतना प्यारा है, सिर्फ ये नहीं ये सारी चीजें देखो अवेलेबल है यहाँ पर, सारे कलर्स है अवेलेबल। तो यहाँ पर आपको पहले तो क्या करना है, मैं सारे अच्छे अच्छे कलर्स जो मैं यूज करने वाली हूँ वो, क्योंकि मैंने देखो ब्लैक ड्रेस तो अपना ऑलमोस्ट पार्टी का होता ही है गाइस राइट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मेरे ब्रशेस ले लूंगी, तो यहाँ पर मेरा ब्रशेस कॉन्टोर वाला, क्या बोलता है कि हम लोग को कॉन्टोरिंग एकदम आसान है। अभी जैसे कि मेरी आई लिड है कि ऐसे देखो मैं ये करती हूँ, तो मेरे को यहाँ तक करना है, तो क्या है वो आई शेडो ज्यादा अपना उभर के आए। सो फ्रेंड्स, ये वाला मैं बेसिक शेड ले लूंगी ब्राउनिश टाइप, और पहले तो आपको कॉन्टोर करना है अच्छे से कि आपको दिखाना है कि आपका कॉन्टोर कहाँ पर चल रहा है, ऐसे मार्क कर देना है राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने मार्क कर दिया, तो ये कितना डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है या नहीं, तो यही हमें भी यहाँ पर भी कर देना है सेम एज इट इज। लाइक दिस, तो हम लोग ने ये मार्क कर दिया है कि मुझे कहाँ तक आई शेडो चाहिए राइट। ये मेरी टेक्निक है गाइस, आप बिल्कुल ट्राई करिए, जिसकी आईज मेरी तरह आईज छोटी सी है तो आप बिल्कुल ट्राई करिएगा लाइक दिस। एंड देन यहाँ पर मैं सारी एकदम फ्लफी ब्रश लेके, ऐसा फ्लफी ब्रश आपको लेना है लाइक दिस, ये वाले थोड़े से डार्क शेड्स में आते हैं, तो ये वाला या ब्लैकिश, को दोनों को कंबाइन करके मैं जस्ट ऐसे हैंड से अपना लगा दूंगी, स्मोकी लुक क्रिएट कर दूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क रखूंगी मैं, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट, तो पहले मैं यहाँ पर घुमाऊंगी। देखिए ये ब्रश है ना गाइस, तो ये दोनों कलर मिक्स करके, ये दोनों कलर मिक्स करके मैं पहले यहाँ पर अच्छे से घुमाऊंगी कि वो डार्क शेड सारा इधर चला जाए। एंड देन थोड़ा सा ये हो गया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा आगे आऊंगी, थोड़ा लाइट शेड में कन्वर्ट हो जाएगा
ये हो गया है, फिर से आई शैडो यूज करने वाली हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो जिसमें पैलेट में है लग रहा है मुझे वही यूज करूंगी, राइट गाइस। सो यहाँ पर अगर आपने ब्लू टिंट का पहना है तो बहुत प्यारा कलर है गाइस, ये वाला बहुत प्यारा कलर है। तो अदरवाइज ये वाला मैं यूज करने वाली हूँ क्योंकि मैंने व्हाइट एंड ब्लैक में पहना है तो मुझे थोड़ा सा ये भी हल्का सा टिंट चाहिए। और देखो गाइस पिगमेंटेशन उसकी, एंड देन मैं इसे अप्लाई कर दूंगी। मैंने यहाँ पर आई शेडो कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा सा मैं हल्का सा लाइनर लगाऊंगी, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स, मैं ज्यादा कुछ करूंगी नहीं। तो यहाँ पर हल्का सा लाइनर लगाऊंगी मैं, तो मैं ये लाइनर ना लैक्मे वाला यूज कर रही हूँ और ये लिटरली मैं कॉलेज डेज में भी ये यूज करती थी। 5 years मैंने कॉलेज में एक भी लाइनर चेंज नहीं किया है, यही करती थी, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। सो फ्रेंड्स मैंने लाइनर कंप्लीट कर दिया है, ऐसे मैंने बिल्कुल भी एकदम ज्यादा विंग निकाली नहीं है या कुछ नहीं, खाली मुझे जस्ट इतना ही आई शेडो पे ज्यादा फोकस है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं लिप लाइनर अप्लाई करने वाली हूँ, ये है शेड ब्राउन में, आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे सोच रही हूँ कि मैं ब्राउनिश रेड रेड बहुत हो गया, ब्राउनिश कुछ ट्राई करूँ। तो यहाँ पर मैं लिप लाइनर जो अप्लाई करूंगी, क्यों? क्योंकि अपने शेप को, लिप्स के शेप को वो डिफाइन करता है, अच्छे से दिखाता है। तो यहाँ पर मैं देखिए कैसे अप्लाई करूंगी। हुडा ब्यूटी की अच्छे से अच्छी कलेक्शन के लिपस्टिक्स, तो यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ आई गेस दिस वन। ये थोड़ा सा न्यूड एंड ब्राउनिश शेड है, लाइक दिस, सी। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है क्योंकि मुझे आईज पे ज्यादा फोकस करना था, जो हो गया है अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा मेकअप लुक कंप्लीट होता है, आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये मेकअप लुक। तो प्लीज आपको अगर अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ी सी भी आइडिया मिली होगी, तो प्लीज आपको बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, टू ऑल सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और अगर आपको ये सब करके लिखेगा डन, तो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपका नाम लूंगी गाइस। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।